नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बहुत ही बेहतरीन से वीडियो में जिसमें इंक्वायरी बहुत ज़्यादा आ रही थी। सर, एमटीएस के जो एग्जामिनेशन आने वाले हैं उसके बारे में, कंप्लीट प्रिपरेशन के बारे में बताइए, या फिर उसमें फिजिकल में क्या होता है, फिर जो पीईटी एग्जामिनेशन है उसके बाद क्या होने वाला है, तैयारी कैसे की जाए जिससे आप जो भी समय बचा हुआ है, आपका 5 जुलाई से एग्जामिनेशन है तो उसमें 5 से 20 के आसपास है, 22 के आसपास है, तो उसमें हम इतने समय में कैसे कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। निश्चित तौर पे बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है आपके लिए, तो बहुत ध्यान से पूरा दिखेगा। तो जैसा कि आपको पता दोस्तों कि रिसेंटली जो इसके वैकेंसी हैं वो रिवील किए गए, पहले वैकेंसी नहीं पता था लेकिन अब ये कंफर्म कर दिया गया है। जो एमटीएस में वैकेंसी है वो आपका 3698 एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए है। देखिए, ये चीज कंफर्म है कि इसमें जो है आपका फिजिकल नहीं होने वाला है, लेकिन हवलदार में आपका फिजिकल होने वाला है जिसकी वैकेंसी है 3601 वैकेंसी। इसमें फिजिकल में क्या होगा ये भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, सारा बताऊंगा, मेल का फीमेल का क्या है, रनिंग क्या है, साइकिलिंग क्या है, चेस्ट क्या है, सारा कुछ मैं आपको डिस्कस करूंगा। टोटल जो वैकेंसी यहाँ पे है दोस्तों ये है आपकी 7300 प्लस, कह लीजिए 7301 वैकेंसी है, और निश्चित तौर पे इसमें आपका सिलेक्शन होगा जब एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, अच्छे से लगेंगे, तब आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सिलेबस जो है दोस्तों वो क्या क्या है, कौन कौन सा सिलेबस है, किस किस चीज की तैयारी आपको करनी है, बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को पता है कि आपका जो 90 मिनट्स का ड्यूरेशन है उसमें टोटल 100 क्वेश्चन है और आपके 100 नंबर के हैं, 100 टोटल क्वेश्चन है, 100 नंबर के हैं, जिसमें से देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन है और 25 नंबर का है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी आपका 25 क्वेश्चन है, 25 नंबर का है, जनरल इंग्लिश भी आपका 25 क्वेश्चन का है और 25 नंबर का है, एंड लास्ट में है जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन का है और 25 नंबर का है। इन सभी को आप लोग को पता है, इसके अलावा दोस्तों माइनस मार्किंग भी है, 0.25 की माइनस मार्किंग भी है, मतलब आपको क्वेश्चन गलत भी नहीं करना है, इस चीज का भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपकी गलत ना हो। ठीक है, अब यहां पे आते हैं कि ये जो प्रकार है जो मैंने आपको बताया, इसमें जो भी दृष्टि बाधित या फिर जो विकलांग लोग हैं उनके लिए समय बढ़ा दिया गया है, 120 मिनट है, और बाकी सारी चीजें सही रहे उसी तरह रहेंगी, और अगर कोई आप गलती करते हैं दोस्तों तो उसमें देखिए 0.25 अंक नकारात्मक काट लिए जाएंगे। फटाफट पहले देख लेते हैं क्या क्या इन्फो, क्या क्या आता है आपके सिलेबस में, क्या क्या आता है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कैसे हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, आपका सबसे पहले यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो सिलेबस है दोस्तों ये किसका है, ये सिलेबस है आपका रीजनिंग का सिलेबस है। ठीक है, रीजनिंग के सिलेबस में क्या क्या आता है, जो टॉपिक है वो कौन कौन से टॉपिक आते हैं, निश्चित तौर पे पूरा चीज आपको सारा सिलेबस पता होना चाहिए तभी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं ना। देखिए, आपका नंबर एवं अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के, एनालॉगी के, ऑड वन आउट, सिलॉगिज्म के, डायरेक्शन सेंस, रैंकिंग में, नॉन वर्बल में, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, मिरर इमेज, देखिए ये सारे जो नॉन वर्बल के आते हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं, मैट्रिक्स के आते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड वर्ड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, ये क्वेश्चन जो आते हैं रीजनिंग, और इसका रीजनिंग में आते हैं, और इसके में जो नंबर है दोस्तों ये आपका 25 नंबर का है और आपका 25 क्वेश्चन इसमें टोटल रहेंगे। अब देखिए, ये वाला जो है आपका, ये है आपका इंग्लिश में, ना तो इंग्लिश में देखिए आपका 25 नंबर का है, तो इंग्लिश में देखिए क्या क्या पूछता है, स्पॉट द एरर, फिलिंग द ब्लैंक्स, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग डिटेक्टिंग जो कि मिस स्पेल्ड होते हैं उनको, इडियम फ्रेज होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट इन सेंटेंसेस, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ये भी देखिए आपके इंग्लिश में 25 नंबर का आता है। तो रीजनिंग का देखिए मैंने आपको सारा बता दिया, इंग्लिश का देखिए इसी तरह। अब आपका मैथ का जो सेक्शन है उसमें क्या क्या पूछा जाता है फटाफट देख लेते हैं। नंबर सिस्टम में देखिए आपका एलसीएम एचसीएफ देखना है, परसेंटेज एवरेज, टाइम एंड वर्क है, प्रॉफिट लॉस है, रेशियो मैट्रिक्स, एलिगेशन के, टाइम स्पीड डिस्टेंस के, सीआईएसआई, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, डीआई एंड एलजेब्रा, ये सारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि किससे किससे कौन कौन से जो कि कितने कितने नंबर के आते हैं। लास्ट दोस्तों जो बहुत ही निर्णायक है और बहुत ही दोस्तों जरूरी है आप लोगों के लिए, वो है आपका जीके और जीएस का सेक्शन, जो आपका 25 नंबर का आएगा और जिसको कंप्लीट करने में होती है बहुत समस्या। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एसएससी एमटीएस की डेली क्लासेस अवेलेबल कराऊंगा और आपको उन सभी क्लासेस को अटेंड करना है डेली बेसिस पे। धीरे धीरे हम सब कुछ को कवर कर लेंगे एग्जामिनेशन के पहले पहले, उसके बाद मैं आपको डेली टेस्ट भी प्रोवाइड कराऊंगा, ये भी है, आपको टेस्ट सीरीज भी मैं दूंगा, आप उससे भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, और बार बार हम लोग डिस्कस भी करते रहेंगे क्या क्या परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल जीके जीएस का जो पोर्शन दोस्तों इसमें क्या क्या आता है एक बार इसको देख लेते हैं फटाफट। देखिए, इस जो कि अभ्यर्थी के आसपास के पर्यावरण की जानकारी, समाज के उसके अनुप्रयोग के बारे में सामान्य जागरूकता क्षमता का परीक्षण करने के लिए इसे डिजाइन किया जाता है ना,
ये मतलब एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि क्या आपको अपने आसपास के माहौल के बारे में सारी जानकारी है, वो सारी चीजें। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो आते हैं वो विशेष रूप से किससे, खेल से, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, भारतीय संविधान से, जो कि समाज, जो कि समान राजनीतिक, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि से संबंधित होते हैं। ठीक है, अब यहाँ का जो दोस्तों सिलेबस है वो क्या है एक बार मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कहाँ कहाँ से आते हैं, सबसे ज्यादा देखिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका करंट अफेयर्स एंड जीके का वेटेज होता है। अप्रोक्सीमेटली दोस्तों 8 नंबर के आसपास करंट अफेयर्स और 7 नंबर के आसपास आपका जीके का सेक्शन इसमें रहने वाला है। इसके बाद आपका देखिए इसी में हिस्ट्री ऐड होती है, इसमें पॉलिटी ऐड होती है जो संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें ज्योग्राफी को ऐड किया जाता है और स्टैटिक इंफॉर्मेशन के भी क्वेश्चन इसमें देखिए ऐड होते हैं। मिला जुला के ये आपका 25 क्वेश्चन का आता है। इसके बाद क्या होगा, जब आप पहला एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद देखिए एमटीएस का जो सेकंड पेपर है इसमें क्या होता है, ये वर्णात्मक परीक्षा जो कि जिसमें उम्मीदवार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में से कोई एक भाषा का चयन कर सकता है और उसमें अंग्रेजी में या फिर अपनी भाषा में निबंध लिखना होता है जिसमें 50 नंबर मिलते हैं और समय होता है आपका 30 मिनट का। ये जो सेकंड है उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग पूछते हैं इसके लिए कि ये सर हवलदार के जो फिजिकल में क्या क्या होगा। इसमें देखिए साइकिलिंग होगी 8 किलोमीटर की आधे घंटे में मेल के लिए और फीमेल के लिए 3 किलोमीटर की 25 मिनट में। यहाँ पे देखिए वॉकिंग है आपका 1600 मीटर 15 मिनट में और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 मीटर आई थिंक होगा, ये 1 किलोमीटर होगा 20 मिनट में फीमेल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हाइट है 157.5 सेंटीमीटर मेल के लिए और 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। चेस्ट यहाँ पे देखिए 76 जो कि है यहाँ पे ये स्पेशली मेल के लिए है, इनके बारे में भी इसमें कुछ भी नहीं है, वो हो जाएगा सर। और वेट का भी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन इसमें दिया नहीं है लेकिन लड़कियों का जो वेट होना चाहिए वो 48 केजी के आसपास होना चाहिए। तो ये है आपका फिजिकल। ठीक है, बेसिकली आपके एग्जामिनेशन में कौन कौन से आ रहे हैं टॉपिक, 25 क्वेश्चन देखिए आपका मैथ आ रहा है और रीजनिंग आपका 25 नंबर का आ रहा है, आपका जीके जीएस का जो पोर्शन है ये 25 नंबर का आ रहा है और जो आपका इंग्लिश का पोर्शन है ये आपका 25 नंबर का आ रहा है। ठीक है, ये 4 पोर्शंस है। अब देखिए मैथ्स के लिए मैं आपको बता दूं ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे पहला आप जो लास्ट ईयर क्वेश्चन हुए हैं मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन आए हुए हैं उन सभी को लगा डालिए सबसे पहला। इससे क्या फायदा होगा, इससे आपको आइडिया लगेगा कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन, नाव और धारा से क्वेश्चन, सीआईएसआई से क्वेश्चन, ये सारे रेलगाड़ी वाले जो क्वेश्चन बनते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको जब पीवाई क्यूएस आप सॉल्व करोगे तो आपको ये आइडिया लगेगा कि कहां से एग्जामिनर ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा पिछले साल जो एग्जामिनेशन हुए उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, वो सारे टेंशन नहीं लेना है, वो पीवाई क्यूएस मैं आपको मैथ के सारे प्रोवाइड करा दूंगा, इसी चैनल पे आपको मिलेंगे। ठीक है, रीजनिंग का सेक्शन सेम कॉन्सेप्ट आपको इसमें भी कवर करना है, मैं आपको बता रहा हूं पीवाई क्यूएस इसका भी देख लीजिए। अब जीके जीएस देखिए बड़ा निर्णायक है, आपकी परीक्षा जुलाई में होने वाली है, आपको 2021 का सबसे पहले पूरा करंट अफेयर्स कवर करना है और 3 महीना 2022 का भी करंट अफेयर्स कवर करना है। ठीक है, और जीके की क्लास, जीके के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आप लगातार देख रहे हैं चैनल पे भी क्लासेस मिल रही हैं, तो ये तो आपको कंप्लीट चैनल के माध्यम से दी जाएगी। रही इंग्लिश की बात, देखिए इंग्लिश के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है आप बच्चों को, इंग्लिश के लिए रीडिंग स्टार्ट कीजिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, रीडिंग अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है, अब वोकैब स्ट्रॉन्ग कीजिए। बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे सिलेबस भी दिखाया है इसका, इंग्लिश का जो सिलेबस है एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए इस सिलेबस में क्या क्या दिखा हुआ है, स्पॉट द एरर, फिलिंग द ब्लैंक, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग डिटेक्शन, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूविंग सेंटेंसेस, ये सारे डिपेंड है किस पे। देखिए स्पॉट द एरर, एरर फाइंड करने के लिए, अगर आपका रीडिंग स्किल अच्छा है, आपको अगर अच्छे से वर्ड मीनिंग वगैरह याद है कर लेंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स, आपको जाहिर सी बात है इसमें भी रीडिंग ही मेन है, अगर आपको पता है ग्रामेटिकल एरर आप फाइंड कर ले रहे हैं, ग्रामर के बारे में जानकारी है, अच्छे से पढ़ रहे हैं, इसको भी कर लेंगे। सिनोनिम एंटोनिम्स, आपको पीवाई क्यूएस के साथ साथ जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए उनको दे दिया जाएगा, तो ये कवर हो जाएगा। स्पेलिंग डिटेक्शन, तो यहाँ पे देखिए इसके लिए जो बेसिकली करना क्या है, इसके लिए आपको डेली बेसिस पे कुछ वर्ड्स जो है नए नए वर्ड सीखने हैं। ठीक है, लगभग आप एक टारगेट सेट कीजिए कि 20 नए नए वर्ड्स और लगभग 1 से 2 घंटा आप रीडिंग करिए और क्वेश्चन सेट सॉल्व कीजिए। देखिए सेट सॉल्व करना बहुत जरूरी है ना, अभी मैं इसी के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा आगे। तो देखिए इंग्लिश की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, रीडिंग की, वोकैब की
और सिनोनिम एंटोनिम्स जो है कि आप जब सेट सॉल्व करेंगे तो उसी से ही आपका हो जाएगा। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। तो देखिए आपका जो मैथ का सेक्शन है अगर आप इसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपका भूल जाएगा, ठीक है। रीजनिंग तो मान लीजिए थोड़ा ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो रूल होते हैं वो आप बहुत ही जल्दी भूल जाएंगे। और मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बेसिक बोले तो आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत फास्ट होना चाहिए। आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, आपको रूट पता होना चाहिए, आपको टेबल अच्छे से याद होना चाहिए, तो आप मैथ में अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। बाकी सारे कॉन्सेप्चुअल है, और यहाँ पे भी देखिए इस चैनल के माध्यम से भी मैं आपको क्लास डिलीवर करूंगा। बाकी रीजनिंग की भी क्लास एंड जीके जीएस की भी क्लास आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी, उससे आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। रही बात आपको अपने लिए क्या करना है, तो आप डेली बेसिस पे अब से क्या करेंगे, डेली बेसिस पे क्या करेंगे, मैथ के कम 50 क्वेश्चन डेली लगाइए। इस 50 क्वेश्चन को करने में आपको 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है। रीजनिंग के भी सेम मैं आपको बोलूंगा कि 50 क्वेश्चन आप डेली बेसिस पे लगाइए, इसको भी करने में लगभग 1 से 2 घंटे का समय आपको लग सकता है। जीके जीएस जो मैं क्लास आपको डेली अवेलेबल करा रहा हूं आप उसको कीजिए, आप लूसेंट को पढ़ते रहिए, साइड साइड वाइज लूसेंट की पढ़ते रहिए। मार्केट में और भी बहुत सारे ऐसे जो बुक अवेलेबल है जो करंट अफेयर्स जीके आपको देते हैं, आप उनसे रिविजन करते रहिए। वैसे मैं क्लास में ही आपका सब कुछ कवर करा दूंगा, इवन मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स और जीके को भी इसी चैनल पे कवर कराऊंगा, तो आपका सब कुछ इससे भी कवर हो जाएगा। रही बात इंग्लिश के लिए दोस्तों, तो इंग्लिश के लिए आपको रीडिंग लगाना बहुत जरूरी है। अगर आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो बिल्कुल रीडिंग लगाइए अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें मैक्सिमम स्कोर करना है ना। तो रीडिंग लगाएंगे तो रोज आपको नए नए वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे, आप नए नए वर्ड सीखेंगे, आप सिनोनिम एंटोनिम्स आप करेक्ट कर पाएंगे, जो आपका लेटर्स हैं, जो आपके पैराग्राफ है वहां पे कहां पे क्या फिल करना है, ये सारी चीजें आएंगी। इसके लिए भी आपको कम से कम 1 से 2 घंटा देना है। अभी देखिए एग्जामिनेशन दूर है, वैसे दूर कुछ भी नहीं है, तो मैं ये कहूंगा कि आप डेली बेसिस पे कम से कम 4 से 5 घंटा इसके लिए निकालिए। बाकी आप क्या करिए, आप जो भी अपना काम है सारा कुछ कीजिए, लेकिन हाँ 4 से 5 घंटा आपको एसएससी एमडीएस के लिए देना ही देना पड़ेगा, कुछ भी करके देना पड़ेगा, तभी आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि टाइम टेबल मत बनाइए, मैं बोलूंगा टाइम टेबल बनाइए, सेटिंग बनाइए। जैसे एक बार में बैठिए तो मैथ को खत्म कर दीजिए, 1-2 घंटे में 50, मतलब ये ठानिए कि हमको 50 क्वेश्चन करके ही उठना है। अगर आप दूसरी टाइम में जब बैठे तो हमको रीजनिंग के 50 क्वेश्चन करके ही उठना है। अगर आपने जी इंग्लिश के लिए सोचा है तो इंग्लिश में जो पुराने सेट है उनको लगा के ही उठना है। इस तरीके से आप फॉलो अप करेंगे तो आपका धीरे धीरे सब कुछ कवर हो जाएगा। और इस चैनल पे भी लगातार मैं एमटीएस रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो उससे भी आपका सारी चीजें कवर हो जाएंगी। जैसा कि उन्होंने कहा कि इसमें जो वैकेंसी है अच्छी वैकेंसी है, और दोनों के लिए एग्जामिनेशन सेम डेट पे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने हवलदार फिल किया होगा तो हवलदार का देंगे, अगर आपने एमटीएस का फिल किया होगा तो एमटीएस का देंगे, तो कोई इसमें बहुत इशू नहीं होने वाला, ठीक है। तो एकदम अच्छे से लग जाइए। आपको इस चैनल के माध्यम से मैं कौन कौन सी क्लासेस अवेलेबल कराने वाला हूं, देखिए इस चैनल से आपको जीके जीएस के लिए क्लासेस ऑलरेडी मिल रही हैं, लेकिन स्पेशल एमटीएस के लिए जीके जीएस की क्लासेस मिल जाएंगी। आपको मैथ की क्लासेस मिलेंगी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने के लिए, और रीजनिंग की क्लासेस मिलेंगी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने के लिए। ये 3 क्लासेस तो मैं आपको डेली बेसिस पे चैनल के माध्यम से दूंगा, उन सभी क्लासेस को आप डेली बेसिस पे लेंगे तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा इसी के साथ, ठीक है। तो और कोई भी नया अपडेट होगा तो एकदम अच्छे से लग जाइए। ये वाली वैकेंसी किसी भी हाल में आपको लेनी है, कुछ भी करके इस एग्जामिनेशन को आपको क्लियर करना है, ठीक है। लगे रहिए, बाकी मैं लगातार वीडियोज आप तक डिलीवर करता रहूंगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल बनाए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिएगा, जिससे जितने भी क्लासेस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू।